हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग एससी वर्मा बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहे हैं टू आइडेंटिकल बॉल्स, यानी दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ 2×10⁻⁷ कूलम, और उनके पास जो चार्ज है वो कितना है, 2×10⁻⁷ कूलम है। आगे बोल रहा है एंड द मास ऑफ 100 ग्राम, और जो दोनों बॉल्स है उनका मास कितना है, 100 ग्राम है, मतलब 100 ग्राम के दो बॉल हैं। आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, और दोनों जो है कॉमन पॉइंट से क्या है, सस्पेंडेड है, लटके हुए हैं। ठीक है, बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स, दोनों को दो इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से लटकाया गया है, इच 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो स्ट्रिंग है वो कितना लॉन्ग है, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक कॉमन पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और इस कॉमन पॉइंट से हम लोग दो आइडेंटिकल बॉल को क्या किए हैं, लटकाए हुए हैं। ठीक है, और इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो कितना है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बॉल का जो मास है वो कितना गिवन है, 100 ग्राम। ठीक है, और चार्ज इस पे कितना है, 2×10⁻⁷ कूलम। आगे बोल रहा है स्टूडेंट देन रिलीज्ड, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, मतलब अभी इन दोनों को पकड़ के रखे हैं, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन कितना है आपका, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इनके बीच का दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर। अभी इन दोनों को हम क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो रिलीज करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए इस पे जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, कितना, 2×10⁻⁷ कूलम। इस पे भी चार्ज कितना है, 2×10⁻⁷ कूलम, और कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो जैसे इन दोनों को हम लोग छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेगा, मतलब इन दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो वो जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा इसके वजह से इस पे किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, है ना, और वो फोर्स कौन सा होगा, एफई। इसके वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये हमारा क्या हो गया, एफई। ठीक है, तो जैसे ही दोनों आइडेंटिकल बॉल को हम लोग छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, तो दोनों एक दूसरे पे क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है स्टैंड, फाइंड क्वेश्चन नंबर ए, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज बॉल। तो किसी एक चार्ज पे आपको इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, इन दोनों के वजह से जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो किसी एक चार्ज पे कितना लग रहा है। तो यहाँ पे दो चार्जेस का बात हो रहा है, हम लोग किस पे काम करेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। ठीक है, तो चलिए एफ इक्वल टू, तो कूलम्स का लॉ क्या हो जाता है, के क्यू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, तो देखिए के का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 9×10⁻⁹ इंटू Q1 और Q2 दोनों का वैल्यू क्या सेम है, कितना, 2×10⁻⁷ कूलम। ठीक है, अपॉन इसका स्क्वायर कर देंगे, अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना देंगे, 5 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻²। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए 9×10⁻⁹, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, 9×10⁻⁹ इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 इंटू 7 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 10⁻⁴। ठीक है, अपॉन 5 का स्क्वायर कर देंगे, 25×10⁻² कितना है, -2, तो 2 का 2 से तो 4 हो जाएगा, 10⁻⁴। ठीक है, तो 9 का 4 से अगर हम करेंगे तो 36 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁴। अब देखिए -14 और यहाँ पे क्या 9 है, प्लस में तो माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, -5। ठीक है, अपॉन 25×10⁻⁴। क्लियर स्टूडेंट, देखिए तो 36 अपॉन क्या हो जाएगा, 25×10⁻⁴। अब ये देखिए -4 है, ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, +4, तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, तो 20 अगर 36 को हम लोग 25 से डिवाइड करते हैं तो देन वी गेट, अगर हम लोग 36 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट, है ना, यानी ये लगभग 1.44 आ जाएगा, × 10⁻⁰। इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट 1.44 अपॉन 10, यानी 0.144, और क्या आ गया इधर, न्यूटन। ठीक है, तो दोनों चार्जेस, किसी एक चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 0.144 न्यूटन, चाहे इस पे आप निकाले या इस पे, दोनों पे सेम ही फोर्स लगेगा। क्लियर है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर बी पे, तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। क्लियर, तो स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, क्या कह रहा है, द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। अब देखिए स्टूडेंट, एक्चुअली ये जो चार्ज पार्टिकल है, बॉल है आइडेंटिकल बॉल, जिसपे कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पे या बॉल पे बहुत सारे फोर्सेज जो है वो काम कर रहे हैं। पहला तो इस पे टेंशन स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, इस स्ट्रिंग में टेंशन काम कर रहे हैं। दूसरा, चार्ज की वजह से इस पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इस
बॉल के पास क्या मास है, उसके वजह से इस पे वेट काम करेगा किधर, नीचे की तरफ, है ना। तो जितने भी फोर्सेस इस बॉल पे लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस का जो कंपोनेंट है अलोंग द एक्सिस जो होगा उनका रिजल्टेंट निकालना है, और उन सारे फोर्सेस का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू दी स्ट्रिंग होगा उनका हमें क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहला फोर्स तो ये हो गया एफ ई, दूसरा इस स्ट्रिंग पे काम कर रहा है टेंशन, ठीक है, और इस पे एक वेट काम कर रहा है किधर, नीचे की तरफ, एम जी। ठीक है, अब देखिये यहां से हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर देते हैं, है ना, और ये जो स्ट्रिंग है इस लाइन के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, हमें अलोंग द स्ट्रिंग जितने भी फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट निकालना है, और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग जितने भी फोर्सेस हैं, है ना, उनका हमें क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। यानी यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, है ना, यानी ये परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, तो अलोंग द स्ट्रिंग और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, ये दोनों हमें निकालना है। तो देखिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं इधर। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो एम जी है, अब देखिए ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये जो एंगल होगा यहां से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये एंगल कितना होगा, थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, देखिए थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब ये दोनों देखिए परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर है, अब ये जो mg इसको दो कंपोनेंट में हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो ये जो कंपोनेंट होगा, है ना, इस डायरेक्शन में, उसका नाम क्या होगा, mg sin थीटा, क्योंकि विदाउट एंगल है ये कंपोनेंट, और इस ये जो कंपोनेंट होगा इसका नाम क्या होगा, mg cos थीटा। क्लियर स्टूडेंट, अब देखिए ये जो fe है, इस fe को भी हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, तो जो कंपोनेंट थीटा के साथ होगा यानी ये वाला कंपोनेंट, इसका नाम क्या होगा, fe cos थीटा। ठीक है, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा उसका नाम क्या होगा, एफ ई साइन थीटा। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं अलोंग द स्ट्रिंग, यानी देखिए ये जो टेंशन है टी, ये टेंशन कैसा काम कर रहा है, अलोंग द स्ट्रिंग काम कर रहा है। तो पहले हम लोग काम करेंगे किस पे, नंबर वन अलोंग द स्ट्रिंग। क्लियर है, तो अलोंग द स्ट्रिंग की अगर बात करें तो देखिए एक फोर्स किधर लग रहा है, टेंशन जो ऊपर की तरफ, और यहाँ पे दो फोर्सेस है, एफ ई साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा, जो किधर काम कर रहा है, नीचे की तरफ। तो देखिए ये जो टेंशन है वो एफ ई साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है ना, क्योंकि ये जो बॉल है क्या ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नहीं ये नीचे की तरफ जा रहा है, नहीं, मतलब ये टेंशन इन दोनों फोर्सेस को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं टी इक्वल टू एफ ई साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। क्लियर है, अब देखिए क्या ये बॉल जो है आइडेंटिकल बॉल जो है, ये बॉल टेंशन की वजह से ऊपर जा रहा है, नहीं, क्या ये एफ ई साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा की वजह से इस डायरेक्शन में आ रहा है, नहीं, यानी इस बॉडी पे जो एक्सेलरेशन है, यानी अलोंग द स्ट्रेन के केस में जो एक्सेलरेशन है बॉल पे वो कितना है, जीरो है। अगर किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन जीरो हो गया, इसका मतलब है कि उसका एफ नेट क्या हो गया स्टूडेंट, जीरो हो गया। ठीक है, तो अलोंग द स्ट्रिंग जो फोर्सेस काम कर रहे हैं उनका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट कितना आया हमारा, जीरो आया। क्यों, क्योंकि ये जो बॉल है ना तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है और ना ही ये बॉल नीचे की तरफ आ रहा है। क्लियर है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। चलिए अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें हम लोग सेकेंड ले रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। क्लियर स्टूडेंट, तो देखिए परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग यानी इस लाइन पे जो भी फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो इस लाइन पे देखिए एक फोर्स mg sin थीटा जो नीचे की तरफ काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स लग रहा है fe cos थीटा जो किधर काम कर रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यानी यहाँ पे अगर हम एपनेट की बात करें तो ये दोनों का क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है ना, एपनेट निकालना है। अब जरा सोचिए ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है। तो रिपल्सिव फोर्स है, इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये किधर आएगा, इस डायरेक्शन में चलेगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो एफ ई कॉस थीटा है वो एम जी साइन थीटा से क्या है, बड़ा है, है ना। रिपल्सिव फोर्स लगेगा और ये बॉल इस डायरेक्शन में कुछ मूव करेगा, है ना, ये इस डायरेक्शन में चलेगा, ये इधर आगे बढ़ेगा, ये इधर आगे बढ़ेगा, मतलब एफ ई कॉस थीटा जो है एम जी साइन थीटा से बड़ा है। क्लियर है, तो यानी एफ नेट यानी कैसा, परपेंडिकुलर वाला। तो एफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एफ ई कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा।
अब देखिए यहाँ पे एफ ही हम लोग को पता है, पिछले क्वेश्चन में हम लोग निकाल चुके हैं 0.144 न्यूटन कॉस थीटा है ना। एम भी पता है, मास कितना देखे 100 ग्राम, जी भी पता है 9.8 या 10, ठीक। अब यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा निकाल, ट्रायंगल यहाँ से ले लेते हैं, ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, ये हमारा थीटा हो गया, ये 50 है और ये कितना है 5, यानी ये पूरा 5 है, तो हाफ लेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, P/H, यानी 5/2 × 50 कट जाएगा है ना, यानी कितना आ गया 1/20, ये साइन थीटा। अब कॉस थीटा अगर निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं 1 − sin²θ, ठीक है, ये कहां से आया तो हम लोग पढ़े cos²sin²θ + cos²θ = 1, तो 1 − 1/20 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी 1 − 1/400। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है 0.998, क्लियर स्टूडेंट। अब ये सारा वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट करके सॉल्व करेंगे, तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे तो हमारा साइन थीटा का वैल्यू 1/20 और ये 0.998 है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ही पुट कर देते हैं 0.144 × कॉस थीटा भी कितना है 0.998 − m। एम देखिए यहाँ पे मास है ना, मास कितना 100 ग्राम, 100 ग्राम है, अगर इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 100 को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, ठीक है, तो कट जाएगा, यानी 1/10, इट मीन 0.1 × g, तो g ले लेते हैं 10 × sin θ, तो sin थीटा जो आया था हमारा 1/20 आया था, तो ये कट जाएगा 2 times में, ठीक है। तो स्टूडेंट आप इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मिलेगा 0.1437 माइनस, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा 0.049। तो स्टूडेंट जब इसको इससे माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा 0.095 और फोर्स है तो ये हमारा क्या हो जाएगा न्यूटन, क्लियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, क्या बोल रहा था, टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो हमें निकालना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखे थे है ना, अलोंग द एक्सिस वाले केस में कि जो टेंशन है वो टेंशन किसके बराबर था, एफ साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा के बराबर, तो सी इक्वल टू टी इक्वल टू हो गया एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है। तो एम जी का वैल्यू कितना था 0.1 × एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, कॉस थीटा का वैल्यू कितना था 0.998 प्लस एफ ई का वैल्यू आया था 0.144 × साइन थीटा का वैल्यू 1/20, ठीक है। जब इन सारे को सॉल्व करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है 0.986 न्यूटन, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्या जाता है टेंशन, ठीक। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी, क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल, यानी किसी एक बॉल पे आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए अलोंग दी अगर स्ट्रिंग की बात करते हैं तो बॉल में किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, तो वहां से हमें कोई फोर्स नहीं मिलने वाला है, जो भी फोर्स मिलेगा वो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग की वजह से मिलेगा, यानी जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है। तो देखिए F इक्वल टू क्या हो गया एम ए है ना, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा F अपॉन M, तो रिजल्टेंट फोर्स परपेंडिकुलर टू द फोर्स कितना था 0.095 अपॉन मास, 100 ग्राम है, जिसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻¹ आ जाएगा। अब इसको तो 10⁻¹ है ना, अब इसको देखिए 0.095 × अभी ऊपर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, एक डिजिट और आगे आ जाएंगे हम लोग तो 0.95 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया एक्सेलरेशन, क्लियर स्टूडेंट।